नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इंस्टेंट मसाला डोसा मिक्सर। कैसे बनता है आज हम आपको बताते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि डोसा खाने का मन है पर चावल दाल हमने तो भिगोए नहीं होते हैं, तो कैसे हम 15 मिनट में डोसा खा सकते हैं आज हम आपको बताते हैं। कभी भी आप बना के खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, 1 कप उड़द दाल धुली, 1/2 कप 4 पोहा, 2 चम्मच चना दाल, 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच शुगर पाउडर। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम राइस लेंगे। राइस हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं डोसे वाला ले रहे हैं जो आता है इडली बनाने के लिए, और साथ में हम इसमें उड़द दाल डाल रहे हैं। यहाँ पे हम धुली उड़द दाल ले रहे हैं। ये करीब अगर हम चावल ले रहे हैं 1 कप तो हम आधा कप दाल लेंगे, इस हिसाब से हमको लेना है। और इसमें हम थोड़ा सा पोहा, थोड़ी सी चने की दाल और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना डालने से डोसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पर हम जो पोहा डाले हैं वो इसलिए डाले हैं थोड़ा सा हल्का सा कुरकुरापना टेस्ट अलग करने के लिए। अब इन सबको अच्छे से हम क्या कर लेंगे, थोड़ी देर गैस पे हम इसको कढ़ाई पैन में रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मॉइस्चर होता है वो सब पूरा निकल जाए, और ताकि इसका जो पाउडर हम बनाएंगे फाइन पाउडर वो अच्छे से बन जाए, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से करने से ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। इसको रोस्ट करते समय ध्यान रखिए, इसको आपको धीमी आंच में करीब 5 मिनट के लिए आपको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हल्का करना है। ये हमारा हल्का सा हो गया है और इसका मॉइस्चर निकल गया है, और इसको हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इसको हम इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे हमने इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है। जब पाउडर बना लेंगे तो इसमें हम रवा डाल देंगे साथ में, और बाकी हम बेकिंग सोडा, बेकिंग और शुगर पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम थोड़ा सा छान ले रहे हैं, अगर इसका थोड़ा सा भी मोटा पार्ट रह जाता है तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि इसको हम बाद में या पीस सकते हैं या आप किसी और चीज़ में डाल सकते हैं भिगोकर। और ये हमारा फाइन पाउडर रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा आपको फाइन ही हल्का सा दरदरा रखना है। इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और आधा चम्मच यहाँ पे हम शुगर पाउडर डाल रहे हैं, और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद ये जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी कंटेनर में एयर टाइट वाले में आप रख सकते हैं। और इस तरीके से आप कभी भी डोसा बना सकते हैं जब भी आपका मन हो। और यहाँ पे मैं आपको एक डोसा बना के दिखाती हूँ, और साथ में मैं आपको सांभर भी बना के दिखाऊंगी। झटपट सांभर भी कैसे बना सकते हैं भाई, डोसा होगा तो सांभर तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम करीब 6 चम्मच ले रहे हैं, और 6 चम्मच में देखते हैं कितने डोसे हमारे बनते हैं। यहाँ पे हम 2 चम्मच दही डालेंगे ताकि ये काफ़ी अच्छे से फूल जाए और बहुत ही ज़्यादा बाहर जैसा बिल्कुल डोसा लगेगा आपको स्वादिष्ट। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद दही को यहाँ पे हम पानी डालेंगे। पानी हमें इस हिसाब से डालना है कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमने आधा ग्लास पानी डाला था, फिर हाफ ग्लास पानी और डाला है, और इस तरीके का बैटर हमें रखना है और इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। 10 मिनट को ढक के रखेंगे और उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और फूल जाएगा। जब तक ये हमारा हो रहा है तब तक इसको हम इसके लिए हम सांभर बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी लौकी, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 2 चम्मच सांभर मिला ले रहे हैं, फिर 1/2-4 चम्मच राई ले रहे हैं, 1/2-4 चम्मच करी पत्ता, 1/2-4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2-4 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हम लौकी को यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। आपके पास कोई भी वेजिटेबल से आप ले सकते हैं, कैरेट है तो वो भी आप ले सकते हैं, और कद्दू है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसको मैंने को बहुत महीन महीन मैंने इसको चॉप कर लिया है बहुत अच्छे से, और फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमारा सांभर बहुत ही जल्दी बनता है। यहाँ पर हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, उसमें करी पत्ता डालेंगे, साथ में राई डालेंगे और साथ में हरी मिर्च और लौकी टमाटर सब एक साथ डाल देंगे।
सबको हम एक साथ डालेंगे और एक साथ पक जाएगा ये सब कुछ। और यहाँ पे हमने जो सांभर मसाला डाला है ये मैंने खुद बनाया था, इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है क्योंकि हमारा मसाला जो है ऑलरेडी भुना हुआ है। और इसमें हम करीब एक ग्लास पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद इसको हम ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। ये अच्छे से पक जाएगा, जब तक हमारा बैटर एडजस्ट हो रहा है तब तक हमारा ये भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा बैटर देखते हैं, जब तक सांभर पक रहा है बैटर हमारा अच्छे से यहाँ पे फूल गया है। अब इसका हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है ना तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल सकती हैं। अब डोसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैं टिप्स बता रही हूँ कि आपके डोसा परफेक्ट कैसे बनेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप तावे में आप तेल लगा लीजिए। तेल लगाने के बाद आपको इसको गर्म करना है अच्छे से। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पानी की छींटे डालिएगा, और फिर इसके बाद इसको आप कपड़े से, किसी भी कॉटन कपड़े से पोंछ दीजिए। फिर आप इस पर आप बैटर डालिए और तब आपका परफेक्ट डोसा तैयार होगा। और जब इस तरीके से आपको डोसे के ऊपर छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगे, समझ लीजिए आपका जो बैटर है वो परफेक्ट है। और यहाँ पे हमें हल्का सा तेल लगाना है ऊपर भी और साइड साइड भी, और जब ये हल्का सा नीचे से ब्राउन होने लगेगा तब आपको इसको दूसरी तरफ भी पकाना है, तो पलट देंगे। ये हमारा काफ़ी अच्छे से पक गया है, ये अपने आप ही जैसे जैसे पकेगा ये तावे से बिल्कुल छूट जाता है। और ये हम इसको हल्का सा दूसरी तरफ भी पका ले रहे हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे हल्का सा, क्योंकि मैंने आलू तो बनाया नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप और भी कोई मसाला डाल सकती हैं, और इसको पूरे में इस तरीके से आपको फैला लेना है। और हमारा जो डोसा है वो परफेक्ट तैयार है, सिर्फ 15 मिनट में मैंने बनाया है। दोनों हमारा सांभर और डोसा दोनों रेडी हो जाएगा। कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप बना सकते हो बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे हमने ये दूसरा डोसा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ये भी हमारा परफेक्ट डोसा बन रहा है। और इसमें भी हमें इस तरीके से ऑयल लगा लेना है और इसको भी ऐसे ही करना है। और यहाँ पे जब ये डोसा अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सांभर मसाला लगा रही हूँ। सांभर मसाला हल्का सा लगाऊंगी तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा एंड क्रिस्पी है डोसा, बहुत ही ज़्यादा ये यमी बनेगा, और काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पेपर डोसे की तरह ही इसका स्वाद है, बिल्कुल कुरकुरा कुरकुरा। और यहाँ पे मैंने सांभर मसाला लगा लिया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपको डालना है, या आप ऐसे भी रख सकते हो खा सकते हो। आप यहाँ पे ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो। और ये हमारा डोसा तैयार हो गया है। अब हम सांभर भी चेक कर लेते हैं। सांभर भी हमारा काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने इंस्टेंट सांभर बनाया है तो मेरे पास कुछ खट्टा था नहीं, तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं खट्टे के लिए मैंने पीसी खटाई का यूज़ किया है, करीब आधा चम्मच डाला है, उसको अच्छे से मिक्स किया है और डोसे के साथ इसको सर्व कर लिया है। हो गया ना तैयार इंस्टेंट डोसा, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप और भी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और ये मैं आपको इंस्टेंट मसाला डोसा एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए है मेरी तरफ से। और कैसा लगा बताइएगा। Thank you for watching.